अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमदीन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, आज हम कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूके आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। लाइक बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आके सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमें ये चीज़ कैसे करनी है, हमें ये चीज़ जो बेसिक बिल्कुल बेसिक नीड्स होती है ना एक इंसान की, जो कि 5 से 6 एप्लीकेशन हैं, जो ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। लाइक हर एप्लीकेशन आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन ये बेसिक एप्लीकेशन है जो कि आपको यहाँ पर इजीनेस देने वाली है। कहीं जाना हो, आपने पैसे भेजने हो, या उसके अलावा आपको टिकट्स लेनी हो, कुछ भी हो, जो बेसिक 4-5 एप्लीकेशन होती है ना जो आपको यूके आके इंस्टॉल करनी ही पड़ती है, तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को वो कैसे यूज करनी है और आपको वो कैसे हेल्प देने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गूगल मैप्स के बारे में। आप सबको पता होगा यार, गूगल मैप्स हमें किस तरह हेल्प करती हैं। लाइक आपने कहीं भी जाना हो तो हम या तो गूगल मैप्स यूज करते हैं, या हमारी कंट्री के मुताबिक पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन बनी होती है जो कि आपको वहां पर हेल्प देती है। लेकिन गूगल मैप्स यहाँ आकर आपको कैसे हेल्प देती है? हमारे मुल्क में क्या होता है कि आपको वो एरिया बता देता है कि आपको यहाँ से यहाँ कैसे जाना है, या वट एवर, जहां भी आपको जाना होता है। लेकिन यहाँ पर ये सीन है कि आपको अगर बस लेनी है, ट्रेन लेनी है, पैदल जाना है, आपको हर तरीके से ये ऐप हेल्प करने वाली है। और इससे हटके अगर आप गूगल मैप से कहोगे यार मैं बोर हो गया हूँ, तो इससे एक अच्छी एप्लीकेशन है जो कि है सिटी मैपर। मैं सिटी मैपर जो है ना 99% आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि गूगल मैप्स क्या होता है, ये आपको पोजीशन तो बता देगी, एग्जैक्ट उस जगह पे भी ले जाएगी। सिटी मैपर से इस लिहाज से ये अच्छी है, अगर आप पैदल वॉक कर रहे हो तो ये उससे ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हो, पैसे जानना चाह रहे हो कि आपके पैसे कितने लग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने पे, तो सिटी मैपर बेस्ट है। क्योंकि सिटी मैपर पे जब आप लोकेशन डालते हो ना, तो वो बेस्ट चीज़ क्या है कि वो वहां पर आपको साथ में पैसे भी मेंशन कर देती है कि यार अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो 3.60 लग रहे हैं, 3.90 लग रहे हैं, 5 पाउंड लग रहे हैं, लेकिन इनर लंदन के अंदर या इनर बर्मिंगम। लेकिन अगर आप आउटर्स जा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वो आउटर लंदन में आती है, तो वो उसके पैसे बिल्कुल मेंशन नहीं करेगा। फिर ना कहना यार अहमद भाई ने तो बताया था लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल शो नहीं होने वाला। आपको सिर्फ इतना शो होगा कि आपको यहाँ से, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेन वहाँ पर जाती हैं या नेशनल लेवल पर ट्रेन वहाँ पर जाती हैं, जो कि आप कहो कि ज़्यादा पैसे कंज्यूम करती हैं, तो उस ट्रेन का वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं होता, क्योंकि उनके जो पैसे ना वो फ्लैक्चुएट करते हैं ट्रेन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, तो उसके बारे में वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर तो आप ये चीज़ करना चाह रहे हो, यानी कि अपने पैसे जानना चाह रहे हो, तो आप सिटी मैप पर जरूर डाउनलोड करो। अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की, जो कि है ट्रेन लाइन। अब मैंने पहले आपको बताया कि यार आपने किसी जगह पर जाना है, ठीक है, तो आपको इनर लंदन के अंदर तो वो बता देगा कि आपको इनर लंदन और बर्मिंघम में चेस्टर हर जगह ये एप्लीकेशन वर्क करती है, ठीक है, आपको बस सिर्फ वहां से लोकेशन चेंज करनी है। लेकिन अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ लंदन के अंदर, तो आप देखो मैंने बताया कि लंदन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप दूर जा रहे हो तो आपको पैसे नहीं पता होगा। इवन कि आप बर्मिंघम भी जा रहे हो, मैनचेस्टर भी जा रहे हो, तो आपको पैसे तो वो शो करेगा नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि वो टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है। तो ट्रेन लाइन आपकी इस मामले में हेल्प करने वाली है, क्योंकि अब देखो मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना ना, तो वो मुझे कॉस्टली पड़ेगा, तो अगर आप उसकी टिकट बुक कर लोगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। टिकट कैसे बुक करनी है? वो आपको बुक करनी है ट्रेन लाइन के ऐप के थ्रू। आप ऑन द स्पॉट वहां जाकर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस टाइम पर वहां जाकर बुक करोगे तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। अगर आप उसको एडवांस बुक कर लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। लाइक आपको पता है कि आपने इस जगह पर जाना है, अगर आप 2-3 दिन पहले उसको बुक कर लोगे तो कम से कम 5 से 3 पाउंड का फर्क पड़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर आपने भाई अपना वहां पर लगाया हो, रेल कार्ड लगाया हो, तो आपको उससे भी ज्यादा पैसे बचने वाले हैं। इवन के कम से कम आपको 8-9 पाउंड का फर्क भी नजर आ जाएगा। अगर आप लाइक बर्मिंघम जा रहे हो, मैं जाता रहता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरी टिकट को 16-17 पाउंड की है ना, तो मुझे 10 पाउंड की भी मिल जाती है। तो ऐसे होता है, लास्ट में मुझे 9 पॉइंट समथिंग की मिली थी और टिकट थी आई गेस 20 पाउंड 21 पाउंड, तो वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, क्योंकि वहां पर 3-4 किस्मों की ना ट्रेन जाती हैं बर्मिंघम। यहाँ पर भी ऐसे होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि डिफरेंट नामों की ट्रेन होती है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। तो आप उसको नाम के हिसाब से बुक कर सकते हो, कुछ के स्टॉप थोड़े होते हैं, कुछ के स्टॉप ज्यादा होते हैं, तो इस लिहाज से वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन प्राइसिस भी उसी हिसाब से अप एंड डाउन होती हैं। तो अगर आपका वहां पर रेल कार्ड लगा हुआ है तो आपको उससे भी ज्यादा कम पैसे पड़ने वाले हैं। और रेल कार्ड का क्या होता है, कैसे होता है,
वो सारा मैंने एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वीडियो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, आप लोग जाके वो वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यार जब आप इस कंट्री के अंदर आ जाते हो, लाइक लंदन में आ जाते हो या किसी भी कंट्री में चले जाते हो जो कि एडवांस, जैसे कहो ना बहुत एडवांस मुल्क हो जहां पे हर जगह आपका बैंक कार्ड लगता है, तो उस जगह पर आपको बैंक कार्ड जल्दी से जल्दी बनाना पड़ता है और बैंक कार्ड के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आप बिल्कुल न्यू आते हो, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह सब कुछ बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से आपको कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए जो कि आपको क्विक रिस्पॉन्स दे, क्योंकि यहां पर क्या होता है हर चीज, बिल्कुल हर चीज, बेशक आप रेल कार्ड, कहीं रेल कार्ड यूज कर रहे हो, कहीं टैब कर रहे हो, बस ले रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह पर ही आपका बैंक कार्ड यूज होता है। तकरीबन 20% ऐसी जगह होंगी जहां पर आपका बैंक कार्ड ना के बराबर चलेगा, क्योंकि वो एरियाज होते हैं देसी एरियाज। देसी एरियाज क्या करते हैं, वहां पर लोग होते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, वो लोग बैंक कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो अपने पैसे थोड़े शो करवाते हैं कि हमें ज्यादा इनकम नहीं हो रही, लाइक दैट। वो अपने पैसे जिसे कहो ना मेंशन नहीं करवाना चाहते गवर्नमेंट को, वो बैंक कार्ड के लिए कोई जगह रखते ही नहीं है, इस वजह से वो लोग सिर्फ कैश लेते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर जगह पे होता है जहां देसी कम्युनिटी होती है, कुछ जगहों पर होता भी है लेकिन वो साथ मेंशन कर देते हैं कि 5 पाउंड की चीज लोगे या 10 पाउंड की चीज लोगे तो हम फिर आपका बैंक कार्ड एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी जगहों पर आपको थोड़ा सा कैश रखना पड़ता है, लेकिन बैंक कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पे क्या आता है कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आता है। तो उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आपको रेवोलूट कर लेना चाहिए या आपको मोन्जो कर लेना चाहिए या बी समथिंग कोई एप्लीकेशन है, वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन सीन क्या है कि वो हर महीने के बाद आपसे 2 पाउंड चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसको क्विट कर दिया, मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं रेवोलूट यूज कर रहा हूँ, लेकिन लाइक उस टाइम पे मेरा जल्दी अकाउंट बन गया लॉयड्स का, मैं लॉयड्स बैंक यूज कर रहा हूँ, वो भी अच्छा, उसकी भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सीन ये है कि अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो मैं ये कहूंगा या तो मोन्जो की एप्लीकेशन करो, वहां से अकाउंट बनाओ, या रेवोलूट, ये दोनों ही एप्लीकेशन अच्छी हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि भाई सबसे पहले यहाँ पर आके आप इंडीड डाउनलोड करो और एक अच्छी सी सीवी बनाओ, क्योंकि इंडीड की एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आप यहाँ पर गूगल पर भी अपनी अपडेट कर सकते हो, अगर किसी जगह पर भी आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे उनका फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से आप अपना अपलोड कर सकते हो डाटा वहां पर। लाइक सीवी भी मांग लेते हैं, वैसे सिर्फ रिटर्न भी मांग सकते हैं, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडीड जरूर डाउनलोड करो, लिंक्डइन जरूर डाउनलोड करो। अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाह रहे हो तो लिंक्डइन रख लो, लेकिन अगर आप जैसे कहो ना कि छोटा मोटा काम करना चाह रहे हो, कोई भी जॉब करना चाह रहे हो, यहाँ पर वेटर की हो, शेफ हो, कोई भी जॉब आपको इंडीड पर मिल जाती है। इवन कि मैंने भी शुरू में हर जगह इंडीड पर अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मैं यार ये नहीं करना कि एक जगह कर दिया, चार जगह कर दिया, ये एहसान करने वाली बात है, क्योंकि उस जगह पर पहले ही 50 लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो कम से कम 100-150 जगह पर अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने तो अपनी सीवी बनाई हुई है, ठीक है, सीवी मेरी बहुत सिंपल है। अब ये ना कह रहा है कि यार मुझे अपनी सीवी सेंड करो, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा सिंपल सीवी किसी की होगी, ठीक है। तो एक सिंपल सी अपनी सीवी बनाओ, वहां पर अपलोड करो और उसको जॉब के हिसाब से चेंज कर लो। मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर आके कोई भी जॉब मिलती है वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो कहीं भी अप्लाई करो, उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना डाटा चेंज कर दो, कुछ नहीं होने वाला, वो आपसे नहीं पूछने वाले कि आपने ये काम किया है, पूछेंगे भी कह देना हाँ मैंने किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी काम करते हो वो आपको शुरू से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से आपसे काम लेना, तो ये टेंशन ना लेना कि यार मैंने लिख दिया है, पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को सिंपल यही करना है कि आप लोगों को जो अपनी सीवी है उसके हिसाब से थोड़ी सी चेंज कर लेनी, तो इंडीड जो है वो लाजमी डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन की। अब देखो जॉब लग गई, अब उसके बाद पैसे आ रहे हैं, फिर ये भी माइंड होता है कि यार मैंने घर भी पैसे भेजने हैं, तो फिर मुझे क्या यूज करना चाहिए। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपको हर जगह रोड्स पे ना ज्यादातर रिया वाले आपकी शॉप आपको नजर आ जाएंगे, ज्यादातर जो मैंने देखा ना वो रिया वाले होते हैं, लाइक वो इंडिया का ब्रांड है, लेकिन आप कहीं भी पैसे उनके थ्रू भेज सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था, और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है यार, आपको कैश लेके वहां जाना है, उनसे बात करो, लाइन में लगो, फिर उसके बाद आपको टेंशन हो यार पैसे पहुंच गए या नहीं पहुंचे। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे किसी बड़े ने एक बार ये एडवाइस की कि मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करो, ठीक है। मुझे क्या लगा यार, वो एप्लीकेशन बहुत अच्छी थी, इतनी ईजी थी कि आप विद इन 5 मिनट्स भी नहीं, एक बार आपकी प्रोफाइल बन गई है, विद इन 2 मिनट्स आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं ACE यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लेना, मैं ये यूज़ करता हूँ। वैसे आप रेमिटली भी कर सकते हो, ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है,
रेमिटली मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस पर अक्सर प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, जब मैं उसको सेंड करने लगता हूँ तो प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। तो इस पे जो आपको पैसे शो होते हैं फौरन फौरन विद इन 2 to 3 मिनट्स पैसे आपके बिल्कुल ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये बिल्कुल डायरेक्ट जाते हैं और सेफ होता है। लेकिन इसके अलावा आप टैप टैप सेंड भी यूज़ कर सकते हो। टैप टैप सेंड पे मैंने क्या देखा, रेट जो है ना वो ए से अच्छा होता है, लेकिन वो 24 आवर्स लगा देते हैं पैसे भेजने में। लेकिन अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ए से यूज़ कर सकते हो। टैप टैप पे समथिंग मैंने ये भी देखा है कि वो पैसे थोड़े से ना कैंसिल भी कर देते हैं समटाइम। हमजा के साथ बहुत बार हुआ है, 4-5 बार हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन वो एक दिन पूरा लगा देते हैं, लेकिन उस पर रेट जो है ना वो 1-1.5 पाउंड ज़्यादा आता है। तो ये आप दोनों ही डाउनलोड कर लेना, जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, कोई एप्लीकेशन आपको बताओ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी पिन कर दूंगा या नेक्स्ट टाइम उसको भी वीडियो में ऐड कर लूंगा। अगर किसी को पाकिस्तान से यूके आना है तो भाई वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।